Hello students, so let's start today with the chapter acids, bases and salts. It is your chemistry second chapter. In this chapter we will study about different types of acids, bases and what happens when acid and bases reacts with each other and what happens when acid reacts with other metals, non-metals and other oxides, carbonates and same with the bases, right? So let's start with acids. Now what do you mean by acid? आप सब ने सुना ही होगा कि इस चीज़ में acid होता है, ये acidic है या ये basic है, ठीक है, या इस fruit में ये वाला acid है, ठीक है. तो acid क्या होते हैं? Acid are those substance with particular chemical properties. इनकी एक ना particular एक chemical properties होती है. Chemical properties मतलब ये एक तरह react करते हैं. हर एसिड सेम वे में रिएक्ट करेगा हर एक चीज़ से, ठीक है. तो दे आर हैविंग अ पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग, जिसमें से लिटमस पेपर को चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, जैसे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करना, किसी एल्कलाई मीडिया को न्यूट्रलाइज करना और किसी मेटल को डिसॉल्व करना, ठीक है. ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो एसिड्स के बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे. तो बेसिकली अभी आपका इनिशियल लेवल में आपको मैं बताता हूँ कि एसिड्स, आपने सुना होगा एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट. इनका टेस्ट क्या होता है बच्चा? सॉर होता है, ठीक है. तो इसमें आपको कोई एग्जांपल्स पता है फ्रूट्स की जो एसिडिक हों? फ्रूट्स विच कंटेन्स एसिड, हाँ जी, टेल मी द एग्जांपल्स. जैसे कि ग्रेप फ्रूट्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, ठीक है, लेमन हो गया. तो ये सब क्या हैं? ये वो चीज़ें हैं जिनमें एसिड होता है, ठीक है. तो इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर बेसिस. सो बेस दे आर बिटर इन टेस्ट दैट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. सो बेस वो चीज़ होती है, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं? बिटर होते हैं. किसमें? टेस्ट में, ठीक है. जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे उन सब का टेस्ट क्या होगा? बिटर होगा, ओके. तो ये क्या करते हैं बच्चा? ये लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. अब ये लिटमस क्या है? लिटमस एक तरह का इंडिकेटर होता है. सो इंडिकेटर क्या होते हैं? सो लेट स्टार्ट विद द इंडिकेटर्स. सो इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच कैन टेल दैट द गिवन सैंपल इज ईदर एसिड और बेस. सो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं बच्चा जो बताते हैं हमें कि जो हमारे पास जो भी सैंपल है क्या वो एसिड है या वो बेस है. कैसे बताएंगे हम? क्या करते हैं बच्चा? लिटमस को एक फिल्टर पेपर में लगाते हैं और उस फिल्टर पेपर को हम आगे किसी एसिड में या किसी बेस में डालते हैं. अगर तो वो लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो गया तो समझ लीजिए कि वो जो हम सब्सटेंस है वो बेस है, या लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो गया तो समझ लीजिए कि वो सब्सटेंस एसिड है. अगर रेड लिटमस पेपर को आप एसिड में ही डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा. अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप बेस में डालोगे तो उसका भी कलर चेंज नहीं होगा. तो ये डिफरेंट कलर के हमारे पास लिटमस पेपर्स होते हैं. ये मैं लिटमस पेपर्स का आपको अभी दो मिनट के बाद बताता हूँ क्या होते हैं ये, ठीक है. तो सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में ही बात करेंगे. तो इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन टेल दैट द गिवन सैंपल इज ईदर एसिड और अ बेस. सो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आते हैं. अब अगर मैं बात करूं नेचुरल, मतलब जो नेचर में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स. सिंथेटिक, जो मैन मेड केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक. ऑल फैक्ट्री क्या होता है? जो स्मेल से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री. चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की. वो उस टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं नेचुरल
environment mein naturally and can determine whether the substance is an acid substance or basic substance. It is a type of indicator. ये एक type के indicators में आते हैं जो कि naturally found किए जाते हैं और ये क्या बताते हैं कि जो substance है क्या वो acidic है या वो basic है. इसकी कुछ example जैसे turmeric, red cabbage, grape juice, beetroots. ठीक है, ये कुछ examples हैं किसकी, natural indicators की. ठीक है बच्चों, रेड कैबेज ले लीजिए, ग्रेप जूस ले लीजिए या बीट रूट्स ले लीजिए या टर्मरिक ले लीजिए, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. इसमें अगर आप एसिड डालोगे ये कुछ और कलर हो जाएगा, बेस डालोगे कुछ और कलर हो जाएगा. ठीक है बच्चा, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स. अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की. सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस यूज टू डिटरमाइन पीएच. अब पीएच क्या होता है बच्चा, ये हम आगे पढ़ेंगे. पीएच भी, पीएच वैल्यूज़ होती हैं, ये कुछ नंबर्स होते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि अगर वो नंबर 1 से 7 के बीच में है तो वो एसिडिक होगा, 7 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक होगा. 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं, जैसे कि पानी होता है हमारा. ठीक है, तो पीएच हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आपके. तो बेसिकली क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं लैब्स में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, क्यों, इससे क्या पता चलता है, हम किसी भी, जब हम केमिकल से डील कर रहे हैं वो केमिकल हमारा कितना एसिडिक है, उसकी वैल्यू क्या है. ठीक है, ये सब देखने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स. ठीक है, दीज आर मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू डिटरमाइन द पीएच. इनकी कुछ एग्जांपल है जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल फथैलिन. ये मिथाइल ऑरेंज हो गया और ये अपना फिनॉल फथैलिन, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स की एग्जांपल्स हैं, याद रखना. ठीक है, ओके. अब इसमें पता कैसे चलेगा बच्चा, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल फथैलिन में भी कलर चेंज होता है. ठीक है, इनमें भी चेंज ऑफ कलर से हम बता सकते हैं कि वो नेचुरल, सॉरी वो एसिड है या बेस है. ओके, थर्ड नंबर पे अपने पास आ जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. सो दीज आर द सब्सटेंसेस हूज स्मेल्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ अ मिक्स्ड विद एन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन. जब भी हम किसी चीज़ को, अगर हमने एसिड में मिक्स किया उसकी स्मेल कुछ डिफरेंट रहेगी, अगर हमने उसको बेस में मिक्स किया तो उसकी स्मेल कुछ डिफरेंट रहेगी. सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो जिसको हम जैसे सॉल्यूशन में डालेंगे वो उसकी वैसी स्मेल देगा. उस स्मेल से हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये एसिडिक है या ये बेसिक है. सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दो सब्सटेंसेस हू स्मेल्स वेरीज, वेरी मतलब अलग अलग. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ अ मिक्स्ड विद एन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन. राइट, तो इसमें जैसे अनियन हो गया अपना, प्याज, क्लव ऑयल, लौंग का जो तेल रहता है, एंड वनीला एक्सट्रैक्ट. ठीक है, आपने सुना होगा सिरके वाले प्याज या दूसरे. सिरके वाला प्याज क्या होता है, सिरका क्या होता है बच्चा, ये एक इथेनोइक एसिड होता है, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड. अगर हम प्याज को उसमें डालते हैं तो उसका आप थोड़ा स्मेल देखिएगा आप, अगर तो डिफरेंट रहेगा थोड़ा. ठीक है, नॉर्मल प्याज से तो ऐसे हम पता सकते हैं कि हाँ ये सिरके वाले, हम तभी नोटिस कर लेते हैं. तो उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का काम किया है, स्मेल से ही हमें पता लग गया कि हाँ ये एसिड में डला हुआ है. तो एसिड भी हर ऐसे एसिड नहीं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड होता है जिसको हम विनेगर बोलते हैं. वो विनेगर क्या होता है, एक डाइल्यूट अपना इथेनोइक एसिड होता है. ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट आप इंडिकेटर से पता लगा सकते हो कि वो एसिड बेस हैं. ठीक है, तो हमने इंडिकेटर्स में 3 तरह के इंडिकेटर्स किए, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो बताते हैं हमें क्या जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है. नेचुरल इंडिकेटर नेचुरली पाए जाते हैं, सिंथेटिक मैन मेड रहते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ऑल्फैक्टरी जिसको जो वेरी करता है कि हम किस में डाला है, अगर एसिड में डाला है उसकी स्मेल डिफरेंट रहेगी, बेस में डाला है उसकी स्मेल डिफरेंट रहेगी. अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लिटमस,
तो लिटमस क्या होता है बच्चा? लिटमस क्या होता है? एक वाटर सॉल्युबल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज। डाइज होते हैं, वाटर सॉल्युबल एक मिक्सचर बनाया जाता है जो डिफरेंट डिफरेंट डाइज का होता है, जो एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है? लाइकन से। अब ये लाइकन्स क्या होते हैं बच्चा? आपने सुना होगा जब एल्गे और यीस्ट साथ में रहते हैं तो उन चीज उसको हम बोलते हैं लाइकन्स। जब एल्गे और यीस्ट दोनों साथ में रहते हैं तो एल्गे क्या करता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है इसमें। तो एल्गे फोटोसिंथेसिस करता है, फूड प्रोवाइड करता है यीस्ट को, और यीस्ट एल्गे को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, मिनरल्स वगैरह देता है। ठीक है, तो वो लाइकन से, वो चीज़ से हम उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट उसके कलर के डाइज को, और उसको एक मिक्सचर में बनाया जाता है। ठीक है, और उसको जब हम फिल्टर पेपर पे लगा के हम उसको एज अ पीएच इंडिकेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लिटमस पेपर होता है। ये बहुत पहले किया जाता था ऐसे, अभी तो आजकल तो फिल्टर पेपर्स आ गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वो ये नए सिंथेटिक इंडिकेटर्स आते हैं, पर पहले हम लिटमस पेपर से ही डिटेक्ट करते थे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। देखो बच्चा, एसिडिक बेसिक होना तो हम पता लगा लिया, और वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है ये भी पता लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके लिए हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, राइट? तो लिटमस का पता लग गया बच्चा। ओके, तो लाइकन्स आपने देखा होगा शायद कहीं, जहाँ पॉन्ड्स होते हैं वहाँ ग्रीन कलर का जमा होता है कुछ। ठीक है, जहाँ पे ग्रीन ग्रीन काय जिसको बोलते हैं, वो उस तरह को हम लाइकन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक करेंगे उसमें हम बात करेंगे एसिड का रिएक्शन और बेस का रिएक्शन किसके साथ? मेटल्स के साथ। तो ये अभी हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पे आ गए हैं। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उसकी? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। अब एसिड्स को मेटल से रिएक्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन हम करेंगे किसका? मेटल कौन सा लिया हमने? सॉरी, जिंक मेटल लिया है। किसके साथ रिएक्शन कराया हमने? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, सो जिंक ग्रेन्यूल विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये अपना क्या हो गया? एसिड हो गया। ये अपना क्या हो गया? मेटल हो गया। ठीक है, दोनों को रिएक्ट कराया, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमने डाइल्यूट लिया, मतलब इसकी स्ट्रेंथ हमने कम की है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ में ये ज़्यादा हीट देता है, इसलिए हमने इसको पानी में थोड़ा डाल के डाइल्यूट किया। जिंक ग्रेनुअल्स प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या देगा? जिंक सल्फेट। ये जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह सल्फेट की जगह लग जाएगा, तो ये बन गया जिंक सल्फेट, और ये H2 बाहर आ जाएगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई भी एसिड ले लीजिए, जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, ये मेन है, मैंने पहले ही बोला था ना कि इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई भी एसिड ले लीजिए, कैसा भी मेटल ले लीजिए, जब भी एसिड, कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ही करेगा, और इस चीज़ को हम बोल देते हैं सॉल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इन द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड यू मे हैव नोटिस दैट H2 गैस इज रिलीज व्हेन परफॉर्मिंग द रिएक्शन। इट इज क्लियर फ्रॉम द रिएक्शन दैट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट ऑलवेज रिलीजेस हाइड्रोजन गैस एंड अ सॉल्ट। तो इसकी एक जनरल इक्वेशन हमने बना दी कि एसिड प्लस, ये जनरल इक्वेशन ऑफ एसिड प्लस मेटल्स गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है आपका पेज 19 में, वो मैं थोड़ी देर में आपको वीडियो भी उसका एक एक्सपेरिमेंट शो करता हूँ। ठीक है, आपको क्लियर और हो जाएगा, राइट? तो जब भी ये रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा ही बनेगा। सेकंड देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। अब हम बात करेंगे बेस की। तो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, इनको बच्चा केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेस की। इसमें हमें पता, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बच्चा? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका रिएक्शन
किसी भी चीज़ से कैसे होगा, ठीक है, जिसके बारे में हम स्टडी करने जाते हैं। जैसे पीछे हमने एसिड्स के बारे में स्टडी किया था कि वो मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, अभी हम बेस की स्टडी करेंगे कि वो मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं। है सेम मेटल और बेस, जब भी रिएक्ट करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस सेम एसिड्स की तरह ही बनाएगा, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल देखिएगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। हमने ये बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जिंक के साथ रिएक्ट किया, जिंक एक मेटल है, तो ये अपने पास सोडियम जिंकेट, ये अपने पास क्या है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होता है बच्चा, मिक्सचर ऑफ बोथ दीज टू, ठीक है। सॉल्ट एक चीज़ होती है जो मिक्सचर ऑफ दीज टू होता है, और ये हाइड्रोजन गैस अलग से बाहर आ गया। तो इसमें भी सेम हुआ, एसिड में भी सेम हो रहा था, एसिड और मेटल्स में भी सेम हो रहा था, तो बेस में भी सेम ही हो रहा है। सो इसमें हमने एसिड लिया था उसमें, इसमें हमने बेस लिया है, बस इतना डिफरेंस है। बेस प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सोडियम जिंकेट। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल इसके देखिए, एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल है, इसका रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया तो बना सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रहा है, तो इससे हमारे क्लियर हो गया कि मेटल जब बेस से रिएक्ट करेगा तब वो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। याद रखिएगा, मेटल प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपको अभी वीडियो एक अपलोड करता हूँ, वो आप चेक करिएगा। और इसमें हमने क्या देखा कि जो भी मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन देखा, मेटल्स के साथ बेस का रिएक्शन देखा, राइट, मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन देखा, मेटल्स के साथ बेस का रिएक्शन देखा, दोनों में रिजल्ट क्या आ रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसमें हमने नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्ट्री एंड लिटमस। लिटमस भी बेसिकली नेचुरल इंडिकेटर्स ही हैं, बट उसको थोड़ा अलग से कैटेगराइज हमने कर दिया इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिलहाल आप इतना पढ़िए, पेज नंबर 19 तक इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ओके, थैंक यू।